कोरोना ने लई पांदेसरा विस्तार में आवेल श्री छत्रपति वेजिटेबल मार्केट ना वेपारियों ने दबाण खातानी टीम द्वारा शाकभाजीनो धंधो करवा देवामां आवतो नथी त्यारे वेपारीओ देखाडेखीमां रोड रस्ता उपर पाथरणावाळाओने पण धंधो करवा देता न होवाने कारणे होबारो थयो हतो। छत्रपति शिवाजी शाकभाजी मार्केट में दुकान लगाता हूँ और मैं उस मार्केट का प्रमुख भी हूँ। मैं इस मार्केट में हम लोग की मांगनी है कि मार्केट काफ़ी दिनों से बंद है, पिछले 4 महीने से बंद है जब से लॉकडाउन चालू हुआ है, और सरकार ने जब से अनलॉक 1 किया था उसमें सारी चीज़ों की सुविधा दी गई है, उनको सब चीज़ खोलने का परमिशन मिली है, पर लेकिन सब्जी वालों को खाली परमिशन नहीं मिली है ये समझ नहीं पड़ रहा है। लोगों को बाहर सब्जियां मिल जा रही है रोड पे, लेकिन वहाँ उनको ना म्युनिसिपैलिटी को दिख रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का कारण है और ना सरकार को दिख रहा है। लेकिन हम लोग यही चीज़ सरकार से भी कहना चाहते हैं कि सर हमारी मार्केट चालू करें, हम मार्केट में आपके नियम कानून से ही पालन कर रहे हैं, और वहाँ अपने स्वयं खर्चों से मार्केट में सैनिटाइजर की मशीन भी लगाई थी, और ऑड एंड इवन एक ही बेकी की संख्या में भी हम लोगों ने अपने मार्केट चालू रखने की फरियाद भी की थी। इसके बारे में हमने पायदारी भी लिखी है जो म्युनिसिपैलिटी महानगर पालिका को दी गई है, लेकिन अभी तक उसका निकाल नहीं आया, ना कोई जवाब आया। और हम लोग जब यहाँ मार्केट चालू कराने के लिए हम लोग जब यहाँ आए, हमारे पीछे आप देख सकते हैं कितनी बड़ी मार्केट लग रही है यहाँ पे, एसएमसी को यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं दिख रही है, और वहीं खाली मार्केट में उनको सोशल डिस्टेंसिंग का ही प्रॉब्लम हो रही है। जी आपका नाम कहाँ रहते हो और क्या हुआ यहाँ? मेरा नाम सोनी बेन है, फांडेसरा हाउसिंग बोर्ड में रहती हूँ, छत्रपति शिवाजी शाक मार्केट में धंधा करती हूँ, पिछले 30 वर्ष से धंधा कर रही हूँ। बराबर है, अभी पिछले 3 महीने से हमको बोला गया कोरोना की वजह से मार्केट बंद करो, हम लोगों ने बंद किया सर, हमको फुटपाथ में भी बैठने नहीं दे रहे हैं, मार्केट का ताला नहीं खोल रहे हैं, हम लोग सुबह शाम आ रहे जा रहे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। अब हम करें तो करें क्या, रोड पे हम बैठे तो रोड में बैठने नहीं देते, बार बार के लोग आके लारी लगा के चले जाते, धंधा करके चले जाते, और हम 400 में से कम 200 व्यापारी ऐसे हैं जो सुबह और शाम आते जाते हैं, लेकिन हमारी कोई परिस्थिति को कोई समझता नहीं है। हम लोग छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, हम लोग खिलाएं क्या, हमारी मजबूरी ऐसी हो गई है साहब कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज यहाँ पे क्या घटना हुई? आज यहाँ हमको बुलाया गया सवेरे 7 बजे से, बोले तुम आओ आज तुम्हारा मार्केट खुलेगा। हम लोग को सुबह 7 बजे से आके अभी हम लोग नहाया नहीं, खाया नहीं, धोया नहीं, कुछ नहीं, सुबह 7 बजे से इधर बैठा है साहब, कोई कोऑपरेटर नहीं, कि कोई पुलिस वाला नहीं, कि कोई हमारी फरियाद लेता नहीं है। आज तक अभी 7 बजे 7 हो गया, 12 घंटे हो गया साहब, हम लोग बिगर नहाए धोए बिगर खाए पिए इधर बैठे, ऐसा में कैसा चलेगा? बाहर की लारी अलग गल्ला हम लोग बंद कराते हैं तो हम लोग को मारने के लिए आ रहे सर, खाली हमारे मार्केट में एक आदमी है जो मार्केट का सत्यानाश करके बैठे है, एक आदमी है खाली, हम लोग चालू कराने को सोचते हैं और वो बंद कराने को सोचता है। फांड कट है
देते हैं, ऑपरेटर को फोन कर देते हैं, चालू कराते हैं और उधर फोन करके बंद कराता है। ऐसा दादागिरी कब तक चलेगी सर? हमारे गरीबों की मांग पूरी करो। बंद करवाता हूँ आदमी को, आप जानते हो क्या नाम? मार्केट का ही आदमी है और किधर का आदमी नहीं है, मंडी का आदमी है, वही बंद कराता है। उसके साथ में पुलिस वालों को उसने खरीदा है, कोऑपरेटरों को उसने खरीदा है, सब कुछ किया है। आज हमारी हक पूरी हो गई, हमको न्याय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम 400 पब्लिक रोड पे आ गए और एक 50 आदमी को पब्लिक खिला रही है रोड पे, ना रोड पे धंधा करने दे रहे हैं, ना मार्केट खोल रहे हैं। हम जाए तो जाएगा। आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम मोर्चा निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रोड पे बैठ जाएंगे।